वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। दोस्तों, साल खत्म होने को है और हर साल की तरह इस साल भी जो है हम अपने चैनल पर पब्लिक वोटिंग जो है करवाने वाले हैं 2023 की बेस्ट साउथ हिंदी डब फिल्मों के लिए। यहां पर हम सिर्फ उन्हीं फिल्मों को शामिल करते हैं जो फिल्में 2023 में हिंदी में डब होकर रिलीज की गई है। हो सकता है इस लिस्ट में कुछ फिल्में ऐसी हो जिनका ओरिजिनल या तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन जो है पिछले साल 2022 में रिलीज हुआ हो और उसका हिंदी वर्जन इस साल रिलीज हुआ है, इसलिए हमने उसे जो है इस बार इस वोटिंग में शामिल किया है। और हो सकता है कि कुछ फिल्में जो है अभी तक जो है सिर्फ तमिल, तेलुगु, मलयालम या फिर कन्नड़ा भाषा में ही आई हो, हिंदी में नहीं आई हो। भले ही आपने अलग अलग जगह से कहीं से ऑफिशियल अनऑफिशियल डबिंग जो है देख ली हो, पर क्योंकि उनकी ऑफिशियल डबिंग अभी तक ना ही थिएटर में और ना ही ओटीटी पर, टीवी पर कहीं पर नहीं आई है, इसलिए हमने उन फिल्मों को जो है इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। पिछले साल की ही तरह इस साल भी जो है वोटिंग में टोटल 10 कैटेगरीज में जो है यहां पर वोटिंग होने वाली है, जैसे कि बेस्ट एक्शन मूवी, बेस्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी, बेस्ट कॉमेडी फिल्म जिसमें क्राइम कॉमेडी आ जाएगी, सोशल कॉमेडी आ जाएगी, डार्क कॉमेडी आ जाएगी और रोमांटिक कॉमेडी को भी जो है यहां पर शामिल किया गया है। इसके अलावा है बेस्ट थ्रिलर के लिए, दूसरा है यहां पर बेस्ट ड्रामा फिल्म के लिए, ड्रामा के अंदर क्राइम ड्रामा, सोशल ड्रामा, एक्शन ड्रामा, ड्रामा थ्रिलर और पॉलिटिकल ड्रामा, ये सभी जो है यहां पर शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा पिछले साल की तरह बेस्ट सिनेमैटिक मोमेंट का जो है यहां पर एक कैटेगरी रखा गया है। पिछले बार केवल बेस्ट सिनेमैटिक मोमेंट हमने रखा था, इस बार बेस्ट सिनेमैटिक प्लस बेस्ट मास मोमेंट को जो है यहां पर शामिल किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस साल जो है काफी कम बड़ी बड़ी फिल्में जो है साउथ की रिलीज हुई हैं, सारी की सारी फिल्में जो है अगले साल आने वाली हैं। इसके अलावा है बेस्ट इमोशनल फिल्म जिसमें फील गुड ड्रामा भी जो है शामिल हो जाता है। उसके बाद आता है बेस्ट यूनिक फिल्म जिसके अंदर भले ही फिल्म अच्छी हो, भले ही फिल्म बुरी हो, कैसी भी हो, पर अगर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की गई है तो उन फिल्मों को जो है हमने यहां पर शामिल किया हुआ है। इसके अलावा हमने यहां पर लास्ट में जो है 2023 की सबसे वर्स्ट, डिसअपॉइंटिंग, बोरिंग या फिर अनबियरेबल फिल्मों को जो है शामिल किया है, जिसमें आप चाहो तो वोट डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें किसी भी फिल्म को ऐसा खराब नहीं बोलना चाहिए, तो आप इसे जो है स्किप भी कर सकते हो, बट बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी कैटेगरीज में आपको वोट डालना जरूरी है। यहां पर हर कैटेगरी में मैक्सिमम 10 फिल्मों को ही शामिल किया गया है। हो सकता है कि कुछ कैटेगरीज में आपको 10 से कम फिल्में देखने को मिल सकती हैं, कहीं पर 8 तो कहीं पर 5 फिल्में देखने को मिल सकती हैं, पर किसी भी कैटेगरी में 10 फिल्मों से ज्यादा हमने जो है शामिल नहीं किए हैं। बहुत लंबा लिस्ट हो जाता है और फिर भी लोग गिने चुनी फिल्मों को ही जो है यहां पर वोट करते हैं, बट जितनी भी अच्छी फिल्में थी उन्हें तो शामिल किया ही गया है। हो सकता है कि कुछ खराब फिल्में जो मुझे पसंद नहीं भी आई हो उनको भी जो है मैंने यहां पर नॉमिनेशन में रखा है, क्या पता मुझे नहीं आई आपको पसंद आई हो, तो उनको भी जो है हमने यहां पर शामिल किया हुआ है। वोटिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जो है गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको गूगल फॉर्म खुल जाएगा और अपना जो भी जिसको भी वोट करना है वोट कीजिए, बाद में सबमिट कर दीजिए। और ये वोटिंग जो है 7 जनवरी रात 8 बजे तक जो है चलने वाला है। अक्सर हम जो है एक हफ्ते का ही टाइम रखते हैं, बट इस बार जो है थोड़ा सा ज्यादा टाइम रखा है, क्योंकि अक्सर हमारा जो वोटिंग है स्टार्ट होते होते ही साल का अंत हो जाता है, बट इस बार जो है 2 दिन पहले ही हम 3 दिन पहले ही हम वोटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा टाइम जो है आपको यहां पर मिलने वाला है। हो सकता है तब तक इस बीच में जो है आप कुछ फिल्में जो कि अभी तक बहुत पूरी तरीके से ना आई हो और उस वक्त आ जाए तो उन्हें भी आप देख लो, बहुत टाइम है आपके पास। इनमें से कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जो पूरी तरीके से अभी नहीं आई हैं। हाय नाना, हाय पापा को मैंने यहां पर इसीलिए शामिल किया है क्योंकि फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन था वो काफी दिनों तक जो है थिएटर में लगा था, भले ही चुनिंदा थिएटर्स में लगा था पर उसे लगा के रखा गया था। और उसके बाद मैंने अपना कमेंट सेक्शन चेक किया और जिससे पता चलता है कि काफी लोगों ने जो है उसे देख लिया है, तो इसलिए जो है उसे भी मैंने यहां पर शामिल किया। मंगलवारम फिल्म केवल 3 या 4 दिन के लिए ही जो है थिएटर्स में लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने सुबह ही जो है पूछ लिया था कि क्या इस फिल्म को यहां पर शामिल किया जाए या ना किया जाए, तो मैक्सिमम 70% के ऊपर लोगों का यही कहना था कि हाँ इसे शामिल कर लिया जाए, हम लोगों ने देख ली है, ये है वो है, तो यहां पर मैंने जो है उसे भी जो है यहां पर शामिल कर लिया है। बाकी कल जो है डेविल फिल्म रिलीज हो रही है जो कि कल हिंदी में आएगी नहीं आएगी उस पर अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, एक हफ्ते बाद आती है, कल आती है, पर जो भी होगा पर वो कल आएगी। और 7 तारीख तक कितने लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे, कैसा रिलीज मिलेगा नहीं मिलेगा, वो जो है अभी कहा नहीं जा सकता है, तो उस फिल्म को जो है हम अगले साल कंसिडर करेंगे, इस साल जो है उसे हम नॉमिनेशंस में नहीं ले रहे हैं। तो पिछले साल की तरह इस साल भी उम्मीद करता हूं कि आप में से ज्यादा लोग जो है यहां पर वोटिंग में हिस्सा लेंगे। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की, जो भले ही चैनल के साथ जुड़े हो ना जुड़े हो, बट अगर आपको पता है कि वो लोग फिल्में वगैरह देखते हैं तो उन्हें भी जोड़िए, वो भी अपना ओपिनियन वगैरह यहां पर रखने की कोशिश करेंगे। और हर साल की तरह इस साल भी मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिसके भी फैन भले ही क्यों ना हो बट वोटिंग डालते समय प्लीज एक सिनेमा लवर के तौर पर जो है वोटिंग कीजिएगा, तब जो है एक अच्छा
कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। अदरवाइज काफी सालों पहले जब मैं वोटिंग वगैरह करता था तो चीजें पूरी तरीके से एक तरफा हो जाती थी, बट पिछले साल काफी अच्छी खासी वोटिंग हुई थी, काफी अनबायस तरीके से लोगों ने वोट किया था। तो इस साल भी मैं वही उम्मीद रखता हूँ कि वैसे ही कुछ तरीके के रिजल्ट हमें देखने को मिले, क्योंकि ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा, सोशल ड्रामा, इन सभी जगहों पर जो है काफी सारी ऐसी फिल्में हैं जिनके बीच में कड़ी टक्कर हो सकती है। बाकी एंटरटेनिंग फिल्म, एक्शन फिल्म में कौन आगे पीछे हो सकता है उसका मुझे अभी से ही जो है आइडिया मिल चुका है, बट उम्मीद करता हूं कि ये जो बीच की जो कुछ कैटेगरीज हैं इनमें जो है एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो बस इस छोटी सी अनाउंसमेंट के लिए जो है यहां पर इस वीडियो को बनाया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है यहां पर वोटिंग में हिस्सा लेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।